अब जो है हम पहले बात कर रहे थे जिस चीज के बारे में, पहले अभी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को जो हम डिफाइन कर रहे थे उसमें बहुत सारे हमने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के वेरिएबल्स के बारे में बात करी। तो उसमें से जो एक सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल है वह है कॉग्निटिव प्रोसेसेस। कॉग्निटिव प्रोसेसेस, कॉग्निटिव प्रोसेसेस वाज डिफाइंड एज, कॉग्निटिव प्रोसेस को हमने क्या कहा था, कॉग्निशन, कॉग्निशन को हमने कहा था कि हायर मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसके आगे जो है वो क्या है कि कॉग्निटिव प्रोसेस जो है कॉग्निशन, कॉग्निशन से बना हुआ है। कॉग्निशन, कॉग्निशन, कॉग्निशन जो है वो लैटिन वर्ड कॉग्नोसिस से आता है, कॉग्नोसिस विच मींस टू नो, कॉन्सेप्टलाइज आर टू रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो कॉग्नोसिस लैटिन वर्ड है कॉग्नोसिस, जिसे कॉग्निशन वर्ड बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जानना या पहचानना। ठीक है, टू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू कंसेप्चुलाइज, किसी चीज के बारे में अवधारणा बनाना, ठीक है, किसी चीज के बारे में डेवलप करना, तो ये कहलाता है कॉग्निशन। ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है, कॉग्निशन, कॉग्निशन वर्ड है वह लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिसको लैटिन वर्ड कॉग्नोसिस से बना होता है, जिसका मतलब है टू नो, जिसका मतलब है जानना या किसी चीज के बारे में अवधारणा बनाना या उसको पहचानना। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कॉग्निशन। अब जब हम कहते हैं कि जैसे किसी चीज के बारे में जानना, तो आप अगर इस प्रोसेस के बारे में सोचेंगे तो बच्चा जो है वो किसी चीज के बारे में, बच्चा जब धीरे मतलब कोई छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं जान रहा होता है। ठीक है, उसको ऐसे हर चीज के बारे में हम लोग बताते हैं तो ही वो उन चीजों के बारे में समझ पाता है, हर चीज के बारे में नहीं बताते हैं। वह बड़े होने के क्रम में जो है धीरे धीरे चीजों के बारे में जानना शुरू कर देता है, धीरे धीरे चीजों के बारे में जानना शुरू कर देता है। धीरे धीरे क्या है कि धीरे धीरे जो है उसकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगता है। जैसे पैदा हुआ बच्चा जो है वह पैदा हुआ बच्चा ये नहीं जानता कि भाई क्या होता है, बहन क्या होती है, माँ क्या होते हैं, पिता क्या होते हैं, टीचर क्या होते हैं, इन सब किसी चीजों के बारे में नहीं जानता है। ये सारी चीजें जो है ये एक कंसेप्ट है। जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में, हमारे भारतीय समाज में जो है भाई बहन का कंसेप्ट जो है, भाई भाई होने का मतलब जो है, ये जब आप कहते हैं ये मेरा भाई है तो एक कंसेप्ट है, ये एक अवधारणा है कि भाई होने का क्या मतलब हुआ, कि भाई होने का, हमारे यहाँ भाई होने का मतलब जो है वह भाई मतलब कहते हैं कि ये मेरा भाई है, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है कि भाई होने का मतलब कि ये इनके बीच में ऐसा रिलेशनशिप है, ये ऐसे हैं और ये सारी, मुझे इसके साथ ऐसे रहना है, ऐसे करना है, तो ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ी होती है। इवन अब हम देखते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ, फॉरेन कंट्री की तरफ देखते हैं तो वहां भाई होने का जो भाई का मतलब है वो थोड़ा सा अलग है, यानी कि ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, ये जो है कंसेप्ट है जो कि जगह के हिसाब से बदल रहा है। वैसे ही बहन का कंसेप्ट, पेरेंट्स का कंसेप्ट, माता का कंसेप्ट, पिता का कंसेप्ट, दोस्त का कंसेप्ट, ये सारी जो है ये सारे कंसेप्ट है, ये सारे जो है अवधारणा है। मतलब जब हम ये कहते हैं कि का मतलब, जब हम ये किसी से ये कहते हैं, मतलब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो आप कहते हैं कि यू आर इंडियन, आप इंडियन हो, तो इंडियन कंसेप्ट है, इंडिया के लोग कैसे होते हैं, क्या करते हैं। वैसे ही जब आप किसी दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री के आदमी से मिलते हो तो आपको पता, कोई मतलब बताता है कि ही इज एन अमेरिकन, तो अमेरिकन का मतलब अमेरिकन होने का एक कंसेप्ट है, दूसरा अफ्रीकन कंट्री से होने का एक अलग कंसेप्ट है, रशियन होने का एक अलग कंसेप्ट है। तो दीज आर आवर कंसेप्ट। ठीक है, और एक सबसे बात क्या है कि इन सब कंसेप्ट के बारे में हमको कोई बताता नहीं है, कुछ कंसेप्ट के बारे में हमको बताता बताया जाता है कि ये कंसेप्ट ये है भाई। जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के कंसेप्ट में तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बड़े होने के क्रम में क्या होता है कि धीरे धीरे अपने आप से इन सारी चीजों के बारे में जानता है, टू किसी चीज के बारे में जानना, टू कंसेप्चुलाइज किसी चीज के बारे में, ये कंसेप्ट डेवलप करना, अवधारणा बनाना, टू रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो बड़ा होता है तो उसको इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चलता है, उसको क्या होता है कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। हमने कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में अभी देखा था कि कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर सेंसेशन, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब कुछ, मेमोरी, सब कुछ कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर आ रहा है। तो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी कॉग्निटिव प्रोसेस धीरे धीरे डेवलप होती है, कॉग्निटिव प्रोसेस धीरे धीरे जब उसकी डेवलप होती है तो
तो उसके बहुत सारी चीजों के बारे में जो है वह पता चल जाता है. ही कम्स टू नो अबाउट थिंग्स, ही कम्स टू नो अबाउट द, ही कम्स टू नो अबाउट द कंसेप्ट एंड ही कम्स टू रिकॉग्नाइज थिंग्स. तो That is what cognition is. Cognition का मतलब होता है, cognition जो है Latin word से बना हुआ cognosis, जिसका मतलब होता है जानना, conceptualize करना या पहचानना. ठीक है, तो ये हो गया हमारा cognition. Cognition की हिंदी होती है संज्ञान, लेकिन बहुत से words जो है वो हिंदी के बजाय English में ही better है. जैसे मैंने आपको अभी पीछे एक word बताया burnout, तो burnout की कोई हिंदी ही नहीं होती. ठीक है, तो better है कि हम लोग जो है ये words जाने. और दूसरी बात, एक और बात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि मतलब बहुत सारे लोगों का ये है कि एक्चुअली हमें मतलब कोशिश करनी चाहिए कि हम जो इंग्लिश में सारी चीजें देख रहे हैं, वो सारी चीजों को हम लोग इंग्लिश में, ज्यादातर चीजों को जितना पॉसिबल हो उतना ज्यादा हम उसको इंग्लिश में ही उन शब्दों को रखने की कोशिश करें. क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी जो सारी मतलब आप जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, आप जो स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़ेंगे, वो सारा आपको स्टैंडर्ड मटेरियल इंग्लिश के अंदर ही मिलेगा, हिंदी के अंदर अवेलेबल ही नहीं है. तो आप इंग्लिश वर्ड से अगर फेमिलियर है, अगर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से उसके फेमिलियर है, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, तो क्या होगा कि आप आराम से जो है उन चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और वही चीजें आपको आगे जो आप अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे, नेट के एग्जाम में जाएंगे, या गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम में जाएंगे, या कहीं भी जाएंगे, तो वहां पर वो सारी चीजें पूछी जाती हैं, और वो सारी चीजें जो पूछी जाती हैं वो उन्हीं स्टैंडर्ड बुक्स से आती हैं. तो इसलिए हमको ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो टर्मिनोलॉजी है, जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश करें, वो हमारे लिए उतना बेहतर होगा, आपके खुद के करियर के लिए आगे बेहतर होगा. क्योंकि ये जो है ब्लॉक लग जाता है जब हम एक लैंग्वेज को बहुत ज्यादा मतलब प्रेफर करते हैं और दूसरी लैंग्वेज को जो है इग्नोर करते रहते हैं, तो वो ब्लॉक बन जाता है. क्योंकि हम सबको ये बात, ये सच्चाई है कि ज्यादातर चीजें जो है, जो स्टैंडर्ड बुक्स या मटेरियल है, वो इंग्लिश में ही अवेलेबल है. तो हमें इस चीज को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए और चीजों को उसी तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए. ठीक है, ठीक है. तो ये कॉग्निशन वर्ड जो है, कॉग्निशन वर्ड जो है ये डील्स विद मेंटल एबिलिटी. जैसा हमने अभी बात करी थी, जैसा हम काफी टाइम से बात करते आ रहे हैं कि मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमताएं, कॉग्निशन जो है वह मानसिक क्षमताओं से संबंधित है. हम कहते हैं परसेप्शन, सेंसेशन और बाकी सारी आईक्यू, मेमोरी, ये सारी मानसिक क्षमताएं कॉग्निशन वर्ड है, मानसिक क्षमताओं से संबंधित है. स्टडीज हाउ पीपल एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज. तो हम कॉग्निशन के अंदर हम क्या जानने की कोशिश करते हैं, जब हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, जब हम कॉग्निटिव प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, तो कॉग्निटिव प्रोसेस से हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है कैसे नॉलेज को ग्रहण करते हैं, हाउ वी एक्वायर नॉलेज, हाउ वी एक्वायर नॉलेज एंड हाउ वी अप्लाई द एक्वायर्ड नॉलेज. ठीक है, कि हम हाउ वी एक्वायर नॉलेज, हमारे चारों तरफ जो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे ग्रहण करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को कैसे हम ग्रहण करते हैं, कैसे एक्वायर करते हैं, और कैसे उस जो हमारी ग्रहण की हुई इंफॉर्मेशन उसको कैसे अप्लाई करते हैं. तो कॉग्निशन जो है, कॉग्निटिव प्रोसेस का जो सारा मतलब है वो इन दो वर्ड्स के अंदर है. कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर जो है हम कैसे बाहर से जो सूचना होती है, बाहर से जो चारों तरफ हमारे सूचना फैली हुई है, तरह तरह की चीजें हैं. आप अगर देखेंगे कि इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन आपके अभी अभी इसी इस टाइम आपके चारों तरफ क्या क्या चल रहा है, तो एक तरफ आपके एक लैपटॉप रखा होगा या फोन रखा होगा जिसमें से मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ. उसके अलावा क्या है कि आसपास हो सकता है, आजकल गर्मी बहुत है तो काफी गर्मी का माहौल है. उसके अलावा हो सकता है कि मतलब और कोई टीवी या और फैमिली वाले या कहीं और कुछ चल रहा हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो. तो लगातार हमारे चारों तरफ क्या होता है कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती है, कि हम गर्मी भी महसूस कर रहे होते हैं, हो सकता है कि हमें मतलब थोड़ा सा अभी ब्रेकफास्ट का समय है तो भूख लग रही हो, हमें ये जो लेक्चर है इसके बारे में भी जानना है, कोई आपके पास हो सकता है काम भी जो आप करना चाहते हो,
या फैमिली में कोई ऐसा चीज चल रही है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने हर समय चल रही होती है। ठीक है, अब जो है उन इन सारी सूचनाओं में से किस सूचना को हम ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे हम जो है इन सारी सूचनाओं के बीच, इन सारी इंफॉर्मेशन के बीच मैनेज करते हैं कि इन सब में से कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह हम दिमाग में कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे पता चलता है कि जब हमारे चारों तरफ ये सारी चीजें चल रहे हैं तो इनमें से कौन सी चीज जो है वो हमको वो उस पर ध्यान देना है, कौन सी चीज पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये दिमाग के अंदर अपने आप हो रही है, ये चीज आप दिमाग के अंदर अपने आप हो रही है, आपको जो है इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, आपको ये कोशिश नहीं करनी पड़ती कि मतलब सारी चीजें बंद कर देंगे और केवल सर का लेक्चर सुनेंगे ताकि सारा जो है वो हमारे दिमाग के अंदर घुस जाएगा, ऐसा आपको कॉन्शियसली मेहनत करके नहीं करना पड़ता। थोड़ा बहुत भी अगर आप थोड़ा बहुत मतलब आपको पता होता है कि क्लास का टाइम है तो उस टाइम आपका दिमाग इस तरीके से सेट होता है कि क्लास में बैठेंगे तो वहां पर केवल जो लेक्चर चल रहा होगा उस लेक्चर को सुनने की कोशिश करेंगे और बाकी सारी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। तो क्या होता है कि ये दिमाग की अपनी प्रोसेस है, अपने आप ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो इसी चीज के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर कि ऑटोमेटिकली कैसे जो है मतलब हम इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर लेते हैं, ये चीज ऑटोमेटिकली कैसे होती है और कैसे सही टाइम पर इंफॉर्मेशन अप्लाई हो जाती है, कैसे मैंने अभी जो बताया है, हो सकता है जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो चीजें आपके दिमाग के अंदर जा रही है, आप अपने दिमाग आप सोच नहीं रहे हो, मतलब आप उस पर बहुत ज्यादा ध्यान लगा के नहीं सोच रहे, लेकिन वो दिमाग के अंदर आ गया, आपको एकाएक पता चल गया कि सर ने ये बात बताई, इसमें ये बात समझ में नहीं आई, तो ये बात मुझे सर से पूछनी चाहिए, सर ने फिर बताया मैं उस चीज को समझ गया, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली होती कैसे, इन्हीं चीजों के बारे में जो स्टडी है वो स्टडी हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस की स्टडी। ठीक है, इसमें व्हाट मेंटल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व, इसके अंदर कौन कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं जो है वो जुड़ी हुई, कौन कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं मिल करके जो है यह कॉग्निटिव प्रोसेस बनाती है। ठीक है, अब क्या है कॉग्निटिव प्रोसेस जो है यह नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल दोनों चीजें होती है। ठीक है, अब नेचुरल और आर्टिफिशियल कैसे कैसे होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल कैसे कैसे होता है, एक तो नेचुरल कॉग्निटिव प्रोसेस है जैसे हमारी है कि हम जो है मतलब मेमोरी कर लेते हैं, हम हमारे पास एक IQ है जिसके बेस पर हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और उसके बारे में बताते हैं, हमारे पास डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सब नेचुरल हमारे अंदर। लेकिन आजकल और क्या हो गया है, आप देखेंगे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, कृत्रिम बुद्धि की बात की जा रही है ना। तो कृत्रिम बुद्धि का बहुत सारी चीजों को आप देख रहे होंगे, जैसे आप मान लीजिए इवन गूगल सर्च, आप गूगल की बात कर लीजिए, ठीक है, आप गूगल सर्च करते हैं तो आप थोड़े टाइम तक एक दो दिन तक किसी चीज के बारे में सर्च करते रहेंगे तो क्या होगा ना, जब अगली बार फिर आप गूगल पर जाएंगे तो गूगल आपको उसी चीज के बारे में बताना शुरू करेगा। या इवन जो मतलब ये सोशल साइट्स हैं, फेसबुक और ये सारे जितने सोशल साइट्स हैं, तो अगर आप किसी चीज के बारे में कंटिन्यूअसली सर्च करते रहते हैं, अगर किसी चीज पर आप ज्यादा सर्च करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद से ना फेसबुक उसी से रिलेटेड चीजें आपके सामने रखना शुरू कर देता है। इसका क्या मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंट है, सॉफ्टवेयर खुद इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो, इसीलिए वह उस चीज से ही संबंधित जानकारियां आपके सामने रखता है। तो ये क्या हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स बनाए जाते हैं, रोबोट्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला जाता है ताकि रोबोट्स, बहुत सारे रोबोट्स आजकल बन रहे हैं जो कि मतलब प्लानिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे प्लेन जो है जो मतलब कहते हैं पायलटलेस प्लेन, पायलटलेस व्हीकल, ठीक है, ड्राइवरलेस व्हीकल, तो ये सारी जो है वो आर्टिफिशियल मतलब कॉग्निशन कह सकते हैं कि कृत्रिम जो मेंटल प्रोसेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा है, जहां पर कि मतलब उसको जो जो सॉफ्टवेयर है, जो जो उसका जो मशीनरी है, वो अपने आप से रियलाइज कर सकती है कि कहाँ पर मतलब क्या हो रहा है, कहाँ रेड लाइट है, कहाँ पर भीड़ ज्यादा है, कहाँ पर क्या है, तो उसके सेंसर्स उसके अंदर होते हैं जो खुद रियलाइज कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या है और उसके हिसाब से जो है वह रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कॉग्निशन जो है वह नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकता है, दोनों चीजें इसके अंदर होती है, एंड इट इज कॉन्सियस एज वेल एज अनकॉन्सियस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कॉन्सियस एज वेल एज अनकॉन्सियस, मतलब कि कॉन्सियस का मतलब कि जब हम कुछ जानबूझकर मतलब जानबूझकर के भी जब हम प्रयास करके किसी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं तो वह भी कॉग्निशन के अंदर हम प्रयास करके भी सीख सकते हैं। जैसे अभी आप जो है
काफी मुझे लग रहा है प्रयास कर रहे होंगे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है इसको समझने का प्रयास कर रहे होंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें ट्राई करने से बहुत सारी चीजें इसकी समझ में आ रही होंगी, कॉग्निशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रयास कर रहे हैं, आप कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं, इसको प्रयास करना कहते हैं, मतलब सोच समझ के प्रयास कर रहे हैं, कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं आप इसको समझने के लिए। लेकिन इसके अलावा बहुत सारा अनकॉन्शियस भी होता है, मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में मतलब हम प्रयास नहीं करते लेकिन हमें वो चीजें पता चल जाती है जब वहां से हम जा रहे होते हैं, जब हम किसी मतलब किसी आदमी के बारे में, जैसे मान लीजिए आप, हो सकता है कि एक 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 दिन में आप 10 लोगों को 100 लोगों को देखते हो, ठीक है, 100 लोग आपके मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं, आपका जो एरिया उसमें 100 लोग रहते हैं, ठीक है। आप हर आदमी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते, आप अपने हो सकता है पड़ोसियों के बारे में जानने की कोशिश की हो, उसके आपके बारे उससे मतलब उससे आपको उनके बारे में कुछ पता चल गया, लेकिन बाकी जो और लोग हैं उनके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी होती है, ठीक है, उनके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी होती है। तो यह जानकारी जो है, यह जानकारी जुटाने के लिए आपने प्रयास नहीं किया है, ये कैसे आए, ये अनकॉन्शियसली आ गई, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को देखते हैं, उसकी एक्टिविटीज को देखते हैं, उसके रूटीन को देखते हैं, तो हमें उसके बारे में बहुत सारी चीजें जो है ना वो अपने अंदर ऑटोमेटिकली पता चलती रहती है, तो वो हुआ अनकॉन्शियस। तो ये कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस दोनों होता है, कई सारी चीजों के बारे में हम प्रयास करके जानते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम प्रयास न भी करें फिर भी हमें जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस दोनों होता है। स्पोर्ट्स के अंदर ये भी, तो अब ये जो यहाँ पर स्पोर्ट्स के अंदर क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल की, मतलब एक तो नेचुरल की नेचुरल मतलब नेचुरल कॉग्निशन है, नेचुरली एथलीट जो है वो समझने की कोशिश करता है, नेचुरली एथलीट समझने की कोशिश कर रहा है, एथलीट को जानने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्म में बहुत सारी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो कि हेल्प करती हैं आपको, आपकी गेम गेम के साथ हेल्प करती है, गेम परफॉर्मेंस के साथ हेल्प करती है, तो नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल की वो बात हो गई। उसके अलावा कॉग्निशन की प्रोसेस जो है वो कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस है, मतलब कि एक तो आप एथलीट को जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो एथलीट सीख ही रहा है आपको देख कर, और आपकी जो टीचिंग प्रोसेस है, आपकी जो लर्निंग, आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको आप, उसमें जो एथलीट को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो एथलीट सीख ही रहा है, लेकिन उसके अलावा अनकॉन्शियस प्रोसेस भी, यानी कि इन सब के अलावा आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, आप जो ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज कर रहे हैं या आपकी जो डेली एक्टिविटीज है या आपका जो नॉर्मल रहन सहन है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो भी एथलीट को बहुत कुछ अनकॉन्शियसली सिखाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एथलीट केवल जो आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वही सीख रहा है, एथलीट वो भी सीख रहा है जो कि आप कर रहे हैं, एथलीट जो है वह चीज भी सीख रहा है जो आपके बिहेवियर से झलक रही है। तो आप केवल यह मत सोचे कि आप जो मतलब सिखा रहे हैं केवल वही एथलीट सीखेगा और बाकी जिंदगी आपकी है और उससे एथलीट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता। आप जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो एथलीट सीख ही रहा है, लेकिन आप जो अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, आप जिन जिन चीजों से मतलब जैसे आपका बिहेवियर है, जैसे आपका डिसिप्लिन है, जैसे बाकी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें भी एथलीट सीख रहा है। तो ये सारी चीजें हमको माइंड करने की होती हैं कि हम कैसे मतलब जो है एथलीट को एक कंप्लीट मतलब फीडबैक देते हैं उसके अपने गेम के बारे में, एक गेम की आइडियल पर्सनैलिटी के बारे में। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें ध्यान में रखने की होती है। ठीक है, तो अब कॉग्निटिव प्रोसेस का रोल क्या है, रोल क्यों हम इसके ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस डाल रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल टास्क फॉर एन एथलीट इज टू परसीव एंड इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एथलीट का जो मेन काम क्या होता है कि जब वो मैच के अंदर है या जब वो बाउट के अंदर है तो वहां सामने वाला जो उसका ओपोनेंट है या सामने वाली जो अपोनेंट टीम है वो क्या कर रही है या वो क्या कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके जो जेस्चर्स हैं, उसके जो हाथ पैरों का मूवमेंट है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उस बॉडी लैंग्वेज से क्या चीज पता चल रही है, इसको कहते हैं कि ये मतलब एक ये चीज
देखना और फिर इन सब चीजों का मतलब इन सब चीजों को समझना कि क्या वो अटैकिंग होने जा रहा है या वो डिफेंसिव होने जा रहा है, वो एंग्जियस है या वो अटैक करने का प्लान बना रहा है, तो इन सब चीजों को समझना और उसके बाद इन सब चीजों को समझ करके अपना जो जवाब है वो प्लान करना, यही बेसिकली एथलीट का काम है ना। यही एक एथलीट का काम है कि इन सब चीजों को समझ करके कि सामने वाला अटैक कर रहा है, डिफेंस कर रहा है या क्या कर रहा है, कैसे लग रहा है, इन चीजों के बेस पर उसके कोच ने उसको जो स्ट्रेटजीज बताई हैं उसको दिमाग में प्रोसेस करके इनमें से कौन सी चीज जो है बेस्ट एप्लीकेबल होगी इस एनवायरमेंट पे उसको चूज करके और उसको एग्जीक्यूट कर। तो एथलीट का बेसिकली ऑन ग्राउंड यही काम है और ये सारे काम जो है वह किससे रिलेट होते हैं, हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस, हमारी जो मेंटल एबिलिटीज हैं उनके साथ। एंड रीच इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन ब्रेन एंड इज कॉल्ड एज कॉग्निटिव प्रोसेस। तो ये सारी जो सूचना का ये सारी जो सूचना है जिसके बारे में मैंने बात की वो सारी जो है वह दिमाग में इन चीजों की प्रोसेसिंग होती है, एथलीट जो है वह देख रहा होता है लेकिन उन सारी सूचनाओं को इकट्ठा करके जो है वह उसके दिमाग में जाती है, दिमाग में इन सूचनाओं को समझा जाता है और इसके आधार पर निर्णय लेकर के एक्टिविटी प्लान की जाती है। तो इन सबको जो दिमाग में ये सारी चीजें चलती हैं इनको हम कहते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस, मानसिक क्षमता, मानसिक प्रक्रिया, ठीक है। एथलीट्स एबिलिटी टू रिसीव रिलेवेंट स्टिमुली फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड प्रोसेस आर एनालाइज देम फॉर इट्स फर्दर यूटिलाइजेशन इन स्पोर्ट्स सिचुएशन। तो यहाँ क्या होता है कि कॉग्निटिव प्रोसेस को हम सिंपली कह सकते हैं कि एथलीट जो है वह अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, आसपास के एथलीट के एनवायरनमेंट में क्या होता है, एथलीट के एनवायरनमेंट में अपोनेंट भी होता है, एथलीट के एनवायरनमेंट में उसका कोच भी होता है, एथलीट के एनवायरनमेंट में दूसरे एथलीट जो है वो भी वहां हो सकते हैं और उसके अलावा व्यूअर भी हो सकते हैं। उसके एनवायरनमेंट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इस इन्फॉर्मेशन में से जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो उसके लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन है, उसको चूज करना, उसको चुनना और उसको चुन के अपने दिमाग में उसकी एनालिसिस करना, उसकी एनालिसिस करके यह डिसाइड करना कि वह सामने वाला मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और इस समय इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर मैं क्या क्या समझ सकता हूँ और इसके बेस पर क्या एक्शन ले सकता हूँ, वह सारी चीज जो है वह स्पोर्ट्स कॉग्निटिव प्रोसेस में आती है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल द गन शॉट वर्क फॉर अ स्प्रिंटर एज अ स्टिमुलस रिसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन। तो स्प्रिंटर जो है वो क्या करते हैं, स्प्रिंटर के लिए गन शॉट, तो गन शॉट का टाइम जो है, गन शॉट मतलब ऐसा नहीं होता कि स्प्रिंटर जो है वो हमेशा देख रहा होता है कि गन शॉट कब होगा, बल्कि वह अपनी परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह तैयार है एंड कहीं अनकॉन्शियसली मतलब ये प्रोसेस सीखने की प्रोसेस में, वो लर्निंग के प्रोसेस में या परफॉर्मेंस की प्रोसेस में प्रोसेस धीरे धीरे इतनी अनकॉन्शियस हो जाती है कि उसे पता होता है कि गन शॉट कब होने वाला है और कब वो रनिंग शुरू करेगा, क्योंकि उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर वो इस टाइम को प्रॉपरली जज ना कर पाए कि गन शॉट कब होने वाला है। अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट करेगा फाउल हो जाएगा, लेट स्टार्ट करेगा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पे जो है आपकी सारी मेहनत पानी में मिल जाती है। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट में स्टिमुली है और इन्वायरमेंटल स्टिमुली को एथलीट जो है वो जज कर रहा है, ठीक है। तो इट इज प्रोसेस इन द ब्रेन की एथलीट जो है वो भले उसकी तरफ नहीं देख रहा होता, उसके दिमाग में 100 बातें चल रही होती है लेकिन फिर भी उस समय के लिए उसको पता है गन शॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो उसका एक सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उसकी तरफ रहता है और उसको ब्रेन में प्रोसेस करता है कि कब ये चीज होने वाली है और उसके बाद से उसको रिस्पॉन्ड करता है।